राजधानी रांची की सबसे खूबसूरत सड़क, सड़क किनारे बनती हाई रेंज बिल्डिंग्स और उस पर बसा राजधानी रांची का सबसे बदसूरत कोना। दो दिन पहले ही झारखंड सरकार दिल्ली में झारखंड की खूबसूरती का गुणगान कर रही थी, 10 करोड़ का डील कर रही थी। उधर 18 साल की सुरभि रांची के गंदगी से दुनिया को रूबरू कराने की कोशिश कर रही थी। दरअसल सुरभि मिस झारखंड रह चुकी हैं, वो पेशे से मॉडल है और उन्होंने फोटोशूट और कैटवॉक किया है, वो भी कचरे के अंबार पर। अब ये वीडियो काफी तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। राजधानी रांची की खूबसूरती का गुणगान करने वाली हेमंत सरकार की पोल एक मॉडल में खुल गई है। दरअसल मिस झारखंड रह चुकी मॉडल सुरभि का कचरे के ढेर पर कैटवॉक और फोटोशूट कराता वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। इस वीडियो में सुरभि कचरे के ढेर पर कैटवॉक करते नजर आ रही है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं। दरअसल राजधानी रांची का कचरा झीरी में फेंका जाता है, झीरी में कचरे का पहाड़ बन गया है। रांची के रिंग रोड से गुजरते वक्त जब झीरी आता है तो कचरे की बदबू लोगों को झेलनी पड़ती है। झीरी की समस्या को आम करने के लिए मिस झारखंड रह चुकी फैशन मॉडल सुरभि ने यहाँ कैटवॉक किया और वीडियो बनवाया। वीडियो बनाने के बाद इसे वायरल किया गया। बताया जाता है कि झीरी में सुरभि का कैटवॉक तकरीबन आधे घंटे तक चला। इसके बाद उन्होंने दूसरे जगह वीडियो शूट किया। ड्रोन कैमरे से भी इस वीडियो के कई शॉट्स लिए गए हैं। मिस झारखंड रह चुकी मॉडल सुरभि ने बताया, मेरी रूह कांप गई थी जब मैं वहां गई। कचरे का पहाड़, पहाड़ के चारों तरफ फेंके मृत मवेशी, दूर तक जाती बदबू और वहां से रोज गुजरती सैकड़ों गाड़ियां। उन्होंने बताया, रांची की ये तस्वीर बदलनी चाहिए, इसी सोच के साथ मैंने ये प्रोजेक्ट चुना। सुरभि कहती हैं, शूट के बाद मेरे पैर में स्किन इन्फेक्शन हो गया, डॉक्टर के पास जाना पड़ा। शूटिंग के दौरान एक एक फीट तक पैर कचरे में घुस गया, इसके बाद भी शूट को मैंने पूरा किया। उन्होंने इस समस्या से निजात के लिए नगर निगम और सरकार का ध्यान खींचने के लिए यहाँ कैटवॉक किया है। कैटवॉक के समय वो लाल ड्रेस पहनी हुई थी, इससे वो ये संदेश देना चाहती थी कि अब बहुत हो चुका, कचरा प्रोसेसिंग के लिए रांची नगर निगम को कुछ करना पड़ेगा। इस फोटो और वीडियो को स्वतंत्र फोटोग्राफर प्रांजल ने शूट किया है। गार्बेज पर फोटो शूट का ये आइडिया भी रांची के फोटोग्राफर प्रांजल का ही था। उन्होंने बताया, रांची के इस दाग को जब शूट करने का सोचा तब ये इतना आसान नहीं था। एक तो गीला कचरा, ऊपर से इतनी बदबू और इसके साथ 2 घंटे की शूटिंग, ये एक जंग जीतने जैसा था। जिस दौरान शूटिंग हो रही थी वहाँ कचरा माफिया लगातार पूरी क्रू को घूर रहे थे, हालांकि उन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। वीडियो वायरल होने के बाद रांची नगर निगम के नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने कहा कि नगर निगम के कचरे को रिसाइकिल करने की योजना तैयार कर ली गई है, यहाँ कचरा रिसाइकिल करने का प्लांट लगवाया जाएगा, इसके लिए प्रक्रिया चल रही है, टेंडर भी हो गया है, जल्द ही झीरी में कचरा का प्लांट लगाया जाएगा। यहाँ कचरा से बिजली उत्पादन के अलावा प्लास्टिक के दूसरे सामान बनाने की योजना है। आपको बता दें कि रांची शहर का डंपिंग यार्ड है झीरी, पूरे शहर का कचरा वहाँ फेंका जाता है। एक महीने में औसतन यहाँ 15,300 टन कूड़ा जमा हो जाता है, ये आंकड़ा साल में 1.83 लाख टन हो जाता है। 10 सालों में यहाँ 16 लाख टन से अधिक कचरा जमा हो गया है। रांची नगर निगम पिछले 5 साल से कचरा प्लांट लगाने की बात कर रही है, लेकिन अभी तक ये सफल नहीं हो पाया है।